नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान में भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। राज्य में अब भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति बुलडोजर से हटाई और दहाई जाएगी। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलवर ने भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आरोपी कर्मचारियों की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से दहा दिया जाएगा। मंत्री दिलावर ने कहा है कि अवैध संपत्ति करने के आरोपी सरकारी कर्मचारियों को निलंबित और बर्खास्त भी किया जाएगा। एक अधिकारी बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है, ऐसे अपराधों के दोषियों की अवैध संपत्ति को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। मंत्री ने ये कहा कि बैठक में उपस्थित अधिकारियों को उन सरकारी कर्मचारियों की पहुंच तक पहचान करने का निर्देश दिया गया है और जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में अब तक कार्यवाही से बचे गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अवैध संपत्तियों को ढहाने में अगर नियमों के उल्लंघन के लिए उन्हें फांसी भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं होगी। इससे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री ने सरकारी अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से जमा की गई संपत्तियों पर इसी तरह की चेतावनी जारी की थी और मंत्री ने अधिकारियों को पिछले 10 साल के दौरान सरकारी विभागों में विभिन्न वस्तुओं और सामग्रियों की खरीद की समीक्षा करने और उन मामलों में कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया था जहां ऐसी खरीद अनुचित कीमतों पर की गई है। दिलावर ने यहां पर 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर प्रस्तावित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान पर जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को मांस और शराब की दुकानों पर दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था। बैठक में 15 फरवरी को प्रदेश भर के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का निर्णय लिया गया। दिलावर ने अधिकारियों को कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर आयोजित करने की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि स्वच्छता सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है।